टाइम डिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज गिवन बाय दिस एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 2. तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में क्या होता है आपके पास r क्रॉस p, क्या होता है r क्रॉस p. तो यहाँ से r हमें पता है, p होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा आपके पास डी आर बाई डी टी के 2. तो यह आ जाएगा आपके पास, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा 2 t² / 2 i cap माइनस का 6 t j cap. तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया आपके पास 2 i cap - 6 t j cap. ये आ गया. तो मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम क्या था, मास इंटू में वेलोसिटी वेक्टर. यह आ जाएगा, मास की वैल्यू दे रखी है आपको 2, तो ये 4 i cap - 12 t j cap. ये आ गया p की वैल्यू. तो यहाँ से हमें क्या कहना है, r क्रॉस p. तो यहाँ से r क्रॉस p करोगे तो ऐसे लिख लो i माइनस j और k. तो r की वैल्यू है आपके पास ये वाली वैल्यू, तो यानी कि ये आपके पास 2 t - 3 t² और ये 0. ये आपके पास है 4 और माइनस का 12 t और 0. तो यहाँ से i लिख लो, ये करोगे तो 0 0 माइनस का j कैप लिखोगे तो 0 - 0. अब k कैप प्लस का k कैप, तो यहाँ से यह आ जाएगा आपके पास माइनस का 24 t² और प्लस का 12 t² आ गया आपके पास. तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 24 t² प्लस का 12 t² इंटू में k कैप, तो आ जाएगा माइनस का 12 t² k कैप. यह आएगा आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू. तो l इक्वल टू आ गया माइनस 12 t² इंटू k कैप. t की वैल्यू कितनी है, 2, तो माइनस 12 इंटू में 2 का स्केयर इंटू k कैप, तो आ जाएगा 4, तो 48 k कैप, माइनस का 48 k कैप. तो a ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट होगा.